तीन गुनाह ऐसे हैं जो कभी भी माफ नहीं होंगे। अल्लाह ताला बंदे के तीन किस्म के गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। ये तीन गुनाह ऐसे जहरीले गुनाह हैं जो इंसान को जहन्नुम का ईंधन बना देते हैं, जो इंसान की कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा इन तीन किस्म के गुनाहों से बचना, ये तीन गुनाह तुम्हें ईमान से खाली कर देंगे, तुम्हारे अंदर से ईमान छीन लेंगे, तुम्हें दुनिया और आखरत में तबाह व बर्बाद कर देंगे, तुम्हें जलील और रुसवा कर देंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो कौन से तीन गुनाह हैं जो इंसान को जहन्नुम का ईंधन बना देते हैं, जो इंसान की कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना देते हैं, जो इंसान को दुनिया व आखरत में तबाह व बर्बाद कर देते हैं, जो इंसान की साल साल की इबादत नमाज रोज़ा हज ज़कात को एक ही लम्हे के अंदर ज़ाय कर देते हैं, आखिर वो कौन से तीन गुनाह हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, पहला गुनाह किसी मुसलमान भाई की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना, पहला गुनाह किसी मुसलमान भाई की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाना, अपनी ताकत और कुव्वत के बलबोते पर किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देना, किसी का दिल तोड़ना, किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, किसी का जीना हराम कर देना। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तदा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया था, फरमाया सब कुछ तोड़ दो मगर कभी किसी का दिल मत तोड़ो। सब कुछ तोड़ देना कोई बात नहीं, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि किसी के टूटे हुए दिल से निकली आह तुम्हारी जिंदगी की रौनकें ख़त्म कर देंगी। किसी के दुखी दिल से निकली आह, किसी के टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श से जा टकराती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। फरमाया, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो दुआओं के दौरान फरियादों के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुँह में आ जाओ, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुँह में आ जाओ। किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी गरीब की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाकर, किसी की बेटी की इज्जत लूटकर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे? ना भाई ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है, रुलाने वालों को रोना पड़ता है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने वालों को बर्बाद किया जाता है। इसलिए कि अल्लाह का तराजू तो सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। जवानों, सबसे पहले अपनी जुबान को खूबसूरत बनाओ, जुबान के जरिए किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, तुम्हारी बद अखलाकी की वजह से कोई तुम्हारे मरने की दुआ ना करे। मेरे करीम नबी के पास एक शख्स आया, दस्त अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, वो कुरान भी पढ़ती है, वो रोज़ा भी रखती है, लेकिन वो ज़ुबान के ज़रिए दूसरी औरतों को तकलीफ़ देती है, वो बद अखलाकी के ज़रिए दूसरी औरतों को दर्द देती है, दूसरी औरतों का उसने जीना हराम कर रखा है, महल्ले में रहने वाली तमाम औरतें उसके मरने की दुआएं मांगती हैं, या रसूलल्लाह मुझे बताया जाए वो औरत जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, वो औरत जहन्नमी है, वो नमाज पढ़ने वाली कुरान पढ़ने वाली औरत जहन्नम में जाएगी। या रसूलल्लाह वो कैसे? फरमाया, उसकी बद अखलाकी उसकी तमाम इबादात को ज़ाय कर देगी।
उसकी बद अखलाकी, दीगर औरतों को दी गई तकलीफ, उसकी तमाम इबादत ज़ाय कर देगी, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, वो सीधा जहन्नम में चली जाएगी। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे महल्ले में एक औरत रहती है, हमारी औरतें बताती हैं कि वो नमाज तो नहीं पढ़ती, वो कुरान तो नहीं पढ़ती, लेकिन उसका अखलाक अच्छा है, उसके बोलने का अंदाज़ अच्छा है, उसका अखलाक इस कदर अच्छा है कि दीगर औरतें उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नत में जाएगी। उसे कह दो, अखलाक का दामन मजबूती से पकड़ते रहना, एक दिन आएगा यही अखलाक तुम्हें नमाजी भी बना देगा, तुम्हें तहज्जुद गुजार भी बना देगा, यही अखलाक तुम्हें जन्नत में भी लेके जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जवानों, अच्छी सोच रखो, अच्छी सोच रखो। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से आमाल बनते हैं, आमाल से किरदार बनते हैं, और किरदार से ही इंसान की पहचान बनती है, किरदार से ही इंसान की शख्सियत बनती है। इंसान का किरदार संधल के एक दरख्त जैसा होना चाहिए, जो खुद पर कुल्हाड़ी की ज़रब खाकर भी कुल्हाड़ी को खुशबू से महका देता है। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, दूसरा गुनाह कौन सा है जो इंसान की दुनिया व आखरत तबाह बर्बाद कर देता है? मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा गुनाह किसी मुसलमान भाई पर जादू करना या करवाना, जादू के जरिए, टोने के जरिए किसी मुसलमान भाई की जिंदगी बर्बाद कर देना, जादू के जरिए किसी मुसलमान भाई के घर से खुशियों के जनाजे निकालना, अमन के जनाजे निकालना, उसके घर को परेशानियों की दलदल में फंसा देना, तंगियों की दलदल में फंसा देना, जादू टोने के जरिए किसी मुसलमान भाई के घर को तंगियों की दलदल में फंसा देना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा, ये वो बदतरीन गुनाह है जो इंसान को ईमान से खाली कर देता है। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, तीसरा जहरीला गुनाह कौन सा है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, तीसरा गुनाह तकब्बुर करना, तीसरा गुनाह खुद को दूसरों से आला तर समझना और दूसरों को खुद से कम तर समझना। इंसान कमज़ोर पैदा होता है, मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ हाँ, कमज़ोर पैदा होता है, मगर चार दिन की मोहलत पाकर हजरत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है, फिर उसे इतना पता भी नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। ऐ हजरत इंसान, तेरे गुरूर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे अंदर छुपे तकब्बुर की औकात तो बस इतनी सी है, तेरे मुंह से निकली मैं की औकात तो बस इतनी सी है कि जब तू दुनिया में आया था तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांपा था, और जब तू दुनिया से गया था, मरा था, तो लोगों ने ही तेरे नंगे वजूद को ढांप कर तुझे रुखसत किया था। तू गुरूर किस बात का करता है? मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा, जिंदगी में कभी भूल करके भी तकब्बुर ना करना, फख्र ना करना। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्यों? फरमाया, तकब्बुर इंसान की नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। खुद को दूसरों से आला तर समझना, दूसरों को खुद से कम तर समझना, ये अमल इंसान की नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। ये तीन गुनाह इंसान को जहन्नुम का ईंधन बना देते हैं, इंसान की कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बना देते हैं। इंसान की साला साल की इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को एक पल के अंदर ज़ाय कर देते हैं, इंसान को दुनिया व आखरत में तबाह व बर्बाद कर देते हैं। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।